कल्याण के नांदिवली स्थित एसआर पेट्रोल पंप के सामने 8 से 10 लोगों के एक गिरोह ने गुरुकृपा लिब्रिकेट ऑयल डिपो के सामने सो रहे वॉचमैन पर लकड़ी डंडे से जानलेवा हमला किया है। हमलावरों में एक महिला का भी समावेश था। हमलावरों की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जख्मी वॉचमैन का नाम नीलेश घोष है और वो बुरी तरह घायल हो चुका है। उसे मुंबई के सायन अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले में मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल ये हमला किसने और क्यों किया है इस बात की जांच चल रही है, लेकिन गुरुकृपा ऑयल डिपो के चौकीदार पर रात के समय भीषण हमला होने से परिसर में दहशत का माहौल छाया हुआ है। कलीम शेख, जी वार्ता न्यूज, कल्याण। रात में घटना हुई सर, रात को 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, रात को 3-4 बजे के आसपास हमारे दोस्त हुए थे इधर, तो चापड़ लड़के आए, लड़की थी एक साथ में उसके, 5 बजे का 5 लड़के लोग थे, उनको मारे सर पे मारे उसको, और मार के कूदते उनका आने का उद्देश्य क्या मुझे पता नहीं। कुछ मामला पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है और लड़के को ले गए कहीं हॉस्पिटल में। अभी लड़का सीरियस है। किधर किधर लगा उसको? सर पे लगा है, ज़्यादा सर पे मारे, इस टाइम से मारे और उस टाइम से मारे। लड़की उसमें थी, 5 लोग थे उसके अंदर, वो बांध के आए थे लोग। मारने का उद्देश्य क्या मुझे पता नहीं अभी तक। जिसके साथ मारपीट हुई है वो क्या काम कर? वो वॉचमैन है, यहाँ का वॉचमैन रहने वाला वो।